23 मई को छावनी चौक नंदिनी रोड में स्थित शनि मंदिर में शनि जयंती का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शनि महाराज की पूजा अर्चना कर अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जहां भक्तों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। शनि जयंती कार्यक्रम की जानकारी मंदिर के पुजारी ने कुछ इस प्रकार से दी है। बात है, जिस तरीके से देश में हम सबों को हमारे धर्म के प्रति नीचे गिराया जा रहा है, हम चाहते हैं कि ऐसे समय पर किसी को धर्म को गिराए बिना अपने लोगों को संगठित करना है, ताकि हमारा धर्म बना रहे और जिस संस्कृति जिस विचारधारा को लेकर के हम आगे बढ़ने, इसमें सब लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और आज जो भी आज हमारे बीच में हो रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार हम स्वयं हैं, क्योंकि हम अपने लोगों को जोड़ना नहीं चाहते। अगर सबको जोड़ करके संगठित करके अगर अपने धर्म के प्रति आरूढ़ होकर के अगर हम सभी आगे बढ़ें, तो भास्कर नंदन भगवान श्री शनिदेव महाराज की विशेष कृपा आज के दिन बताया गया है। आज शनि अमावस्या है और साथ में जो है वट सावित्री व्रत का भी व्रत रखा गया है। तो आज की इस पावन अवसर पर मैं ग्रामवासी, स्थान भिलाई वासी और समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से कामना करता हूं कि वे सभी जिस धर्म में हम सभी जन्म लिए हैं, अपने धर्म को कभी भी अपमानित ना करें और अपने धर्म को लेकर के अपने जीवन के कल्याण हेतु सदैव जहां पर भी भगवान की कृपा से पूजा हो वहां पर सम्मिलित हो, और हम सभी अपने स्वयं के लिए अपने प्रदेश के लिए कामना करें। मैं पिछले 13 वर्षों से श्री भास्कर नंदन श्री शनिदेव की पावन कृपा से उन्होंने स्वयं को खुद आकर के मुझे आदेश दिए कि बेटा मेरा मंदिर बनाओ, और मैंने उसी के कहने पर इस मंदिर का निर्माण किया है। मुझे लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। मैं लोगों के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं कि लोग धर्म को पहचानें, अपने आप को पहचानें, और इस बदले हुए माहौल में जो कोरोना वायरस से जो लोग बचे हैं, ऐसे समय पर भगवान की कृपा का प्रसाद सभी को लेना चाहिए। मैं उन सभी आए हुए भक्तों को भी निवेदन करता हूं, वे सभी अपने जीवन के कल्याण हेतु जब जब यहां पर भगवान की पूजा हो सभी आएं, और हम लोग प्रतिवर्ष अनुसार बिना किसी भेदभाव के बिना किसी लालच के बड़े बड़े अनुष्ठान यहां पर कर रहे हैं। नवग्रह की शांति बाधा 7.5 अढ़ैया निःशुल्क रूप से हम लोग कर रहे हैं, ताकि समाज को ये पता चले कि हम सभी भगवान की भक्ति करके भी उन दोष से मुक्त हो सकते हैं। पिछले 13 वर्षों से यहाँ पर इसी प्रकार अविरल रूप से शनि अभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरी बात को जन तक पहुंचाने के लिए इतना समय दिया है। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं, उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इतनी कठिन परिस्थिति में समय में कठिन समय को निकाल करके इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हुए। हमारा लक्ष्य कम से कम 50,000 लोगों को भोजन कराना, और प्रति वर्ष हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नीचे जिस मंदिर में आप बैठे उसके नीचे 20 फीट अंदर तल घर है, इसमें माँ भगवती का स्थापना होना है, और वो माता त्रिपुर रूपी रहेगा, उसका स्वरूप बदलेगा। प्रातःकालीन समय पर बाल्यावस्था, मध्यमा समय पर जवानी रूप में, और शाम को बुढ़ापा रूप में होगा। अगर इसी प्रकार लोगों का सहयोग मिलता रहे तो आने वाले वर्षों में मैं माता की स्थापना करा दूंगा। अखंड दीप अंदर प्रज्वलित होगा जो जन्म जन्मांतर चलेगा। और इसी के साथ मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा परिचय है, मैंने 11 वर्ष की कम आयु से अपने माँ बाप को छोड़ करके समाज के कल्याण हेतु वृंदावन चला गया। पागल बाबा मठ में मेरी नवग्रह की सिद्धि हुआ, और वहाँ से सिद्ध होकर के भगवान की कृपा से मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। मैं माँ भगवती का उपासक हूँ, लेकिन भगवान भास्कर नंदन के साक्षात्कार से उन्हीं के उपदेश के कारण से मैं स्थापना की हूँ। मेरा नाम है श्री ओम कुमार पंडित, प्रखर भक्त ओम कुमार पंडित, नवग्रह साधक बाल योगी मेरा नाम।